कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हर दिन की तरह आज भी मैं कुछ नए और ताज़े करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हूँ। तो देर न करके देखते हैं आज के सवाल। किस पूर्व पीएम ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली? Which former PM took oath as Raj Sabha MP? हमारे ऑप्शंस है चंद्रशेखर, चरण सिंह, HD देवेगौड़ा, PV नरसिम्हा राव। हमारा आंसर है HD देवेगौड़ा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। यह पहली बार है जब JD नेता 1996 से उच्च सदन का सदस्य बन गया है। श्री देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 14वें प्रमुख के रूप में भी कार्य किया था। 1994 से 1996 तक कर्नाटक के मंत्री रहे। अगला सवाल, NTRO के नए प्रमुख कौन बने? Who became the new chief of NTRO? हमारे ऑप्शंस है अनूप सिंह, अनिल धस्माना, नवीन पटनायक, अरिंदम सेठ। हमारा आंसर है अनिल धस्माना। पूर्व रिसर्च और एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख अनिल धस्माना को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन या नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी NTRO का प्रमुख नियुक्त किया गया है। धस्माना खुफिया विभाग के पूर्व अधिकारी सतीश झा की जगह लेंगे। अनिल धस्माना 1981 बैच के IPS अधिकारी एक पाकिस्तान विशेषज्ञ हैं, जो फरवरी 2019 में बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक के प्रमुख योजनाकार थे। जून 2019 में आम चुनावों के चलते उन्होंने अपना विस्तारित कार्यकाल शुरू होने से कुछ महीनों पहले पद छोड़ दिया था। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन क्या है? राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन प्रधानमंत्री कार्यालय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है। इसे 2004 में स्थापित किया गया था। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी शामिल है, जो एशिया का अपनी तरह का पहला संस्थान है। अगला सवाल, किसे IG नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? Who has been awarded the IG नोबेल प्राइज 2020? हमारे ऑप्शंस है डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। हमारा आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के IG नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। संस्था के मुताबिक उन्हें COVID-19 महामारी के जरिए दुनिया को सीख देने के वैज्ञानिकों के अलावा राजनेता भी लोगों के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं के लिए सम्मानित किए लिए चुना गया है। PM मोदी IG नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री है। इससे पहले 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने परमाणु परीक्षण के बाद शांति की वकालत करने के लिए संयुक्त रूप से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ IG नोबेल शांति पुरस्कार जीता। PM मोदी ब्राज़ील के जायर बोलोनसारो, यूनाइटेड किंगडम के बोरिस जॉनसन, मेक्सिको के आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राजोर, बेलारूस के अलेक्जेंडर लुकासेंको, USA के डोनाल्ड ट्रंप, तुर्की के रेसेप तैयब एर्दोगन, रशिया के व्लादिमीर पुतिन और तुर्कमेनिस्तान के गुरबंगुली बर्दी मोहम्मद दोवेद के साथ इस पुरस्कार को साझा करेंगे। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने संयुक्त रूप से IG नोबेल शांति पुरस्कार 2020 जीता है। अगला सवाल, किस बैंक ने अपने ग्राहक सुविधा को जानने के लिए वीडियो लॉन्च किया है? विच बैंक लॉन्च्ड वीडियो नो योर कस्टमर फैसिलिटी? हमारे ऑप्शंस है एक्सिस बैंक, HDB, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
हमारा आंसर है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वीडियो KYC यानी वीडियो नो योर कस्टमर सुविधा की शुरुआत की है। सहमति आधारित वीडियो KYC सुविधा एक सकुशल और सुरक्षित माहौल में खाता खोलने की प्रक्रिया के दौरान संभावित ग्राहक की पहचान प्रमाणित करने का एक वैकल्पिक तरीका है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार वीडियो KYC पूरा होने पर यह KYC के बराबर है और ग्राहक इसके बाद सभी वित्तीय और बैंकिंग उत्पादों के लिए योग्य होंगे। HDFC बैंक वीडियो KYC सुविधा चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। पहले चरण में बचत और कॉरपोरेट सैलरी और पर्सनल ऋण ग्राहक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। वीडियो KYC प्रक्रिया ऑनलाइन सुरक्षित और एक त्वरित सुविधा है। यह बैंक अधिकारी और ग्राहक के बीच एक पेपरलेस संपर्क रहित और रिकॉर्ड रखी गई बातचीत है। अगला सवाल, वोल्वो कार इंडिया ने वोल्वो कार फाइनेंशियल सर्विसेज लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? वोल्वो कार इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विथ विच बैंक टू लॉन्च वोल्वो कार फाइनेंशियल सर्विसेज? हमारे ऑप्शंस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, श्रीराम वित्त, बंधन बैंक। हमारा आंसर है HDFC बैंक। वोल्वो कार इंडिया ने अपने वाहनों के लिए ग्राहकों को आसान फाइनेंस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वोल्वो कार फाइनेंशियल सर्विसेज शुरू करने के लिए HDFC बैंक के साथ साझेदारी की है। इस सुविधा के अंतर्गत कार की एक्स शोरूम कीमत की 100% तक फाइनेंस सुविधा दी जाएगी और साथ ही विशिष्ट शर्तों के तहत कोई फॉरक्लोजर चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह वोल्वो कार को फाइनेंस कराने के लिए एक तेज, आसान और लागत अनुकूलित समाधान है। वोल्वो कार फाइनेंशियल सर्विस की अन्य विशेषताओं में 7 साल तक का ऋण सहित बीमा, अधिक वारंटी, सर्विस पैकेज और सहायक उपकरण को फाइनेंस करने जैसी सुविधाएं भी शामिल है। यह खरीदारों को एक आसान फाइनेंस अनुभव प्रदान करते हुए जल्दी ऋण अनुमोदन और एक समान प्रसंस्करण शुल्क की अनुमति देता है। अगला सवाल, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 महोत्सव के लिए लोगो और गीत का अनावरण किसने किया? Who has unveiled the logo and song for festival Destination North East 2020? हमारे ऑप्शंस है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रमेश पोखरियाल निशंक, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद। हमारा आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फेस्टिवल डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस के लोगो और गीत का अनावरण किया। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन 27 सितंबर 2020 को औपचारिक रूप से किया जाना है। यह फेस्टिवल देश के अन्य हिस्सों के लोगों को नॉर्थ ईस्ट की समृद्ध व्यवसाय क्षमता से परिचित कराने में मदद करता है। यह पूर्वोत्तर की पर्यटन क्षमता को भी बढ़ावा देगा। यह फेस्टिवल पूर्वोत्तर के हस्तशिल्प, हथकरघा, जैविक उत्पादों और सांस्कृतिक मंडलों को बढ़ावा देगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में युवा उद्यमियों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की समृद्ध व्यवसाय क्षमता उपलब्ध कराना है। इस फेस्टिवल को 2018 में और चंडीगढ़ में और 2019 में इंडिया गेट न्यू दिल्ली में भी आयोजित किया जा चुका है। अगला सवाल, 2020 इटालियन ओपन खिताब किसने जीता? Who won 2020 इटालियन ओपन टाइटल? हमारे ऑप्शंस है नोवाक जोकोविच, करोलिना प्लिस्कोवा, रोजर फेडरर, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने अर्जेंटीना के डिएगो स्वाट्समैन को 7-6, 5-3 से हराकर साल 2020 में सिंगल इटालियन ओपन खिताब और अपना करियर 5वां रोम खिताब अपने नाम किया है। वहीं विमेन सिंगल में सिमोना हालेप ने चैंपियन कैरोलिना प्लिस्कोवा को 6-0, 2-1 से हराकर
अपना पहला इटालियन ओपन खिताब जीता है। अगला सवाल, महान पर्वतारोही अंग रीता शेरपा का निधन किस देश से हुआ था? लेजेंडरी माउंटेनियर अंग रीता शेरपा पास्ड अवे वॉज फ्रॉम विच कंट्री? हमारे ऑप्शंस है भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। हमारा आंसर है नेपाल। 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति नेपाल की अंग रीता शेरपा का निधन हो गया। उन्होंने 1983 से 1996 के बीच दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर सभी चढ़ाई की और वो भी बिना बोतल बंद ऑक्सीजन के। इसलिए उन्हें अपने चढ़ाई कौशल के लिए हिम तेंदुए के रूप में भी जाना जाता था। पर्वतारोहण किंवदंती को पूरक ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना 8,844 मीटर माउंट एवरेस्ट पर सबसे सफल आरोही बनाने के लिए एक प्रतिष्ठित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें दिसंबर 1987 में पूरक ऑक्सीजन के बिना सर्दियों में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति के रूप में भी मान्यता दी है। अगला सवाल, किसने SIFI या SIP इन फिक्स्ड इनकम नामक एक नया अभियान शुरू किया है? हु हैज स्टार्टेड अ न्यू कैंपेन कॉल्ड SIFI और SIP इन फिक्स्ड इनकम? हमारे ऑप्शंस है HDFC म्यूचुअल फंड, SBI लाइफ, IDFC म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड्स। हमारा आंसर है IDFC म्यूचुअल फंड्स। IDFC म्यूचुअल फंड ने SIFI या SIP इन फिक्स्ड इनकम नामक एक नया अभियान शुरू किया है। SIFI नामक नया कैंपेन निवेशकों को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के जरिए फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में निवेश के फायदों के बारे में जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है। SIFI बेहतर जोखिम समायोजित रिटर्न दिलाने में मदद करेगा और डेप्थ फंड SIP इक्विटी बाजारों में उच्च अस्थिरता के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे आउटन को संतुलित किया जा सकता है। IDFC म्यूचुअल फंड की SIFI पहल का उद्देश्य निवेशकों को यह जानकारी देना है कि इक्विटी और डेट SIP का संयोजन उन्हें कठिन समय में नेगेटिव करने में कैसे मदद कर सकता है। IDFC AMC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है विशाल कपूर। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस 2020 यानी IRPD कब मनाया जाता है? द इंटरनेशनल रेड पांडा डे दिस IRPD 2020 इज सेलिब्रेटेड ऑन? हमारे ऑप्शंस हैं 18 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर, 19 सितंबर। हमारा आंसर है 19 सितंबर। हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को लाल पांडाओं के संरक्षण के मुद्दों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने और समर्थन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस यानी IRPD मनाया जाता है। वर्ष 2020 में IRPD को 19 सितंबर 2020 को मनाया गया। इस दिन की शुरुआत साल 2010 में रेड पांडा नेटवर्क द्वारा की गई थी। 18 सितंबर 2020 को पहला अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया गया था। जानते हैं लाल पांडाओं के बारे में। लाल पांडा की दो अलग अलग प्रजातियां हैं। इसमें पहली एल्यूरियस फल्गेंस, जिसे आमतौर पर हिमालयन रेड पांडा के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरी एल्यूरियस फल्गेंस टैनी, जिसे आमतौर पर चाइनीज रेड पांडा के नाम से जाना जाता है। यह ज़्यादातर पूर्वी हिमालयी क्षेत्र और दक्षिण पश्चिमी चाइना में पाया जाता है। अनुवांशिक रूप से लाल पांडा मांसाहारी प्रजाति से संबंधित है, लेकिन वे ज़्यादातर बांस की शाखा, मशरूम आदि सहित पक्षियों, अंडों और कीड़ों को भी खाते हैं। इन लाल पांडाओं की औसत उम्र 23 साल होती है और मादा पांडा 12 साल की उम्र के बाद प्रजनन करना बंद कर देती है। रेड पांडा नेटवर्क के संस्थापक ब्रायन विलियम्स, इसका मुख्यालय यूजीन ऑरेगन में है। अब बारी है झारखंड करंट अफेयर्स की।
झारखंड के किन दो इंजीनियरों ने डॉक्टर और नर्स की तरह काम करने वाला कोरोना मरीजों की मदद के लिए एडवांस सिस्टम रोबोट तैयार किया है? हमारे ऑप्शंस है रोहित आनंद और साकेत आनंद, अमित सिंह और विनोद पांडे, अतुल सेन और विनोद पांडे, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है रोहित आनंद और साकेत आनंद। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के युवा इंजीनियर भाइयों ने कोरोना मरीज की मदद के लिए एडवांस सिस्टम रोबोट तैयार किया है। यह रोबोट डॉक्टर और नर्स की तरह कोविड 19 मरीजों से उनका हालचाल जानने का और उनके इलाज में भी मदद करेगा। युवा इंजीनियर रोहित आनंद और साकेत आनंद सगे भाई है। इसकी कुल लागत 75,000 रुपये है, जो कोरोना इलाज में अहम भूमिका अदा करेगा। रोहित और साकेत का चयन झारखंड स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी 2016 के तहत हुआ है। अगला सवाल, BASET BA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने के लिए किसके साथ करार किया है? हमारे ऑप्शंस है BCCL, सेल, भेल, टाटा स्टील। हमारा आंसर है टाटा स्टील। BA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जमशेदपुर एवं टाटा स्टील के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU हस्ताक्षर किया गया है। इसके अंतर्गत टाटा स्टील द्वारा BSET कैंपस में टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जाएगा। प्रोफेसर एवं विद्यार्थियों को चौथे औद्योगिक क्रांति में उपयोग होने वाले विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित होने का मौका मिलेगा। 3D मॉडलिंग, माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशंस डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी कोर्स फॉर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की जानकारी मिलेगी, विद्यार्थियों की सुविधा भी मिलेगी। आज का आखिरी सवाल, निम्न में से झारखंड से किसे गोल्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? हमारे ऑप्शन है डॉक्टर सुबीर चंदा, डॉक्टर विकास पाठक, डॉक्टर सहदेव राम, हिमा देवी। हमारा आंसर है डॉक्टर सहदेव राम। केंद्रीय कर्मचारी एवं अधिकारी परिषद के अध्यक्ष झारखंड के डॉक्टर सहदेव राम को गोल्डन लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। भारत रत्न पब्लिशिंग हाउस दिल्ली की ओर से यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।